लोगों ने पूछा भाई कितना पैसा कमाते हो, चाइना से कितना पैसा मिला है, और उसके बाद ट्राइब्स की वीडियो वो मोनेटाइज हुए ही नहीं, उसमें जीरो पैसा है, एक रुपया भी नहीं मिला है। और जो जगुआर का जिम वाला वीडियो था उसमें 8 लाख व्यू आने के बाद भी मुझे जो सबसे पहले ट्रिप किया हूँ मैं इंटरनेशनल, सोलो इंटरनेशनल, जब मैं 16 साल का था, जब मैं 16 साल ने मुझे बोले कि भाई जो 2 मिलियन 1.5 मिलियन वाले यूट्यूबर हैं उनको जितना पैसा दे रहे हैं उतना आपको देने तैयार है, आप कर लो, तो मैं डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई। उसके बाद जो सबसे डिफिकल्ट काम है कि भाई हमको खतरा भी रहता है, लिटरली यकीन जानना जान तक का भी खतरा रहता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं चाहता तो 3 महीने का वीजा लेके मैं चाइना जाता और 50 वीडियो और बना सकता था और भाई वहां से 5-6 लाख सब्सक्राइबर लेके आता। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक और नए वीडियो में। मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एक नया वीडियो डाले, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारा मैसेज आ रहा था, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, कुछ लोग तो भाई ईमेल भी किए कि भाई नया वीडियो डालिए। तो यार आप लोग जानते ही रहेंगे, चाइना की ट्रिप खत्म करते साथ ही मैं वापस आ गया इंडिया और आते सारी नई ट्रिप की तैयारी करने लगा, जरा भी रेस्ट नहीं किया, मैं वीजा अप्लाई करने लगा, इससे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अब हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मेनिया में, आप मेरे पीछे सारी सोवियत टाइम की बिल्डिंग देख सकते हो। इस सीरीज में आप लोगों को भाई तो मेन कंट्री में दिखाने वाला वो है रशिया, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी और मुझे भी रशिया बहुत टाइम से विजिट करना था, आप लोगों को मैं ऐसी ऐसी जगह रशिया की दिखाने वाला हूँ, बहुत ही मजा आने वाली है। तो आप इस वीडियो में थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे ये वीडियो होने वाला है Q&A। आप लोगों ने बहुत सारा सवाल पूछा था भाई चाइना से रिलेटेड, बहुत अलग अलग बहुत अजीब अजीब सवाल पूछा भाई, कितना कमाता हूँ। इस वीडियो में हम घूमेंगे नहीं, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी ट्रैवल से रिलेटेड चीजें बताऊंगा और साथ ही साथ बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। और सबसे मेन भाई आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, हमारे पास आ गया सिल्वर प्ले बटन। एक पोस्ट में आप लोगों को डाल के बता चुका हूँ कि हमारे पास आ गया सिल्वर प्ले बटन, हमारे पास आ गया, सिर्फ मेरे पास नहीं, आप लोगों ने भी इतना प्यार दिया उसकी वजह से ही मुझे मिला है। तो उस पोस्ट में मैं अपना सिल्वर प्ले बटन भी आप लोगों को दिखाया और साथ ही साथ मैं एक पोस्ट बना दिया कि अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल है तो उसमें जरूर कमेंट करिए, मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो मैं बहुत सारे जो सवाल है उसमें से जो लोग बहुत ज़्यादा पूछें उस सवालों का जवाब देंगे और बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताने वाला ट्रैवल से रिलेटेड और आगे फ्यूचर में क्या प्लान है और क्या सारी चीज़ें भाई। तो यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होने वाला है, एंटरटेनिंग भी होने वाला है भाई, ट्रैवल नहीं करेंगे लेकिन आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा जरूर आने वाली है। तो यार करते हैं स्टार्ट सवाल जवाब, लेकिन उससे पहले लोगों ने जो सबसे ज़्यादा चीज़ सजेस्ट किया है वो ये बोल रहे हैं लोग कि भाई चाइना वापस जाइए, चाइना आपने बहुत अच्छे डिटेल में और बहुत अच्छे से दिखाया चाइना, तो वापस चाइना जाइए, हमको और चाइना देखना है। तो और बहुत सारे लोग मुझे मेरे जानने पहचानने वाले मेरे जो यूट्यूबर दोस्त है उन लोगों ने भी बोला वापस चाइना चले जाओ और इस सीरीज को कंटिन्यू करो, लेकिन मैं ऐसा चाह रहा नहीं था, लेकिन लिटरली यकीन जाना अगर मैं चाहता तो 3 महीने का वीजा लेके मैं चाइना जाता और 50 और वीडियो बना सकता हूँ। लिटरली चाइना इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं 50 और वीडियो बना सकता था, 5 लाख सब्सक्राइबर लेके आता, लेकिन मैं ऐसा करना चाह रहा नहीं था। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बीच में अलग अलग कंट्री बहुत सारी दिखाऊँ, हम जरूर चाइना जाएंगे, जो लोगों ने कमेंट किया, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई चाइना हमको और देखना है, हम वापस चाइना फिर जाएंगे, फिर आप लोगों को अच्छे से चाइना और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं सोचा आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग कंट्री घुमा दूँ, बहुत सारा अलग अलग कल्चर दिखा दूँ, फिर हम चाइना चलेंगे। अगर आप लोगों को भी चाइना का वीज़ा चाहिए रहेगा, बहुत लोग पूछ रहे थे चाइना वीज़ा के बारे में, तो मैं नंबर दे दूंगा उनको, कॉल करके आप वीज़ा ले सकते हो चाइना का। तो तैयार बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल पर जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा है। उससे पहले थोड़ा चश्मा लगा लिया, धूप आ रही है आँख पे। जो उसके बाद लोगों ने बहुत सारा सवाल पूछा है कि भाई अगर मुझे ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है या फिर मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है तो कैसे सस्ते में करें। तो सबसे मेन चीज़ जो ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं उन लोगों को मैं दोनों साइड बताऊंगा, इसका बेनिफिट भी बताऊंगा और इसका भाई जो डिसएडवांटेज है वो भी बताने वाला आप लोगों को। पहले अगर आप लोगों को ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है सस्ते में, तो यार सबसे पहले मेरा जो सजेशन है, जो मैं थोड़ी सी गलती किया था कि मैं डायरेक्ट बड़ी कंट्री से स्टार्ट करना चाह रहा था कि भाई मैं डायरेक्ट अच्छी कंट्री दिखाऊंगा तो लोग देखेंगे, ऐसा नहीं रहता है। सबसे पहले आप लोग आसपास की कंट्री जाइए, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, और दूर जाना थोड़ा वियतनाम जा सकते हो, इंडोनेशिया जा सकते हो, ये सारी कंट्री से आप स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करके आप बड़ी कंट्री जा सकते हो, यूरोप जा सकते हो, अफ्रीका जाइए। आप डायरेक्ट बड़ी कंट्री पर जाओ बहुत ज़्यादा पैसा भी लग जाएगा और आपको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा वीडियो बनाने का, तो आप रिग्रेट करेंगे बाद में कि भाई अगर मैं थोड़ा ट्रेन कर लिया होता, मैं दूसरी कंट्री ट्रैवल कर चुका होता तो मैं वहाँ और अच्छे से वीडियो बना पाता। और जो लोग ये पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रैवल सस्ते में कैसे करें, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई आप जहाँ भी जाइए आप हॉस्टल्स में रुकिए, होटल में मत रुकना, क्योंकि हॉस्टल में कैसा रहता है वो पहली बात तो बहुत सस्ता रहता है, फिर आप लोगों को वहाँ बहुत सारे ट्रैवल पार्टनर मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके साथ आप घूम सकते हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है और सस्ता भी रहता है। और अगर आप लोगों को खाना बनाने आता है तो हर हॉस्टल में आप लोगों को किचन मिल जाएगा, तो आप ये कर सकते हो कि अपना खाना लाइए, अपना बनाइए, तो एकदम सस्ते में हो जाएगा। सबसे मेन और सबसे अच्छी टिप तो यही है भाई कि आप हॉस्टल में रुकिए और खुद से अपना खाना बनाइए, और साथ ही साथ आप ट्रैवल को लेकर फ्लेक्सिबल रहिए, आप ऐसा फिक्स नहीं रहिए कि मैं यही कंट्री जाऊँगा। अगर आप ओपन रहेंगे मैं कहीं भी जाऊँगा तो उसमें कैसा रहता है कि जहाँ की सस्ती टिकट मिल रही मैं वहाँ चली जाऊँ। ट्रैवल ब्लॉगिंग के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया, अब उसका मैं थोड़ा सा साइड इफेक्ट बताता हूँ, उसके डिसएडवांटेज बताता हूँ भाई, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग नहीं बताते हैं। वो सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई ट्रैवल ब्लॉगिंग में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, मेरे हिसाब से यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट प्रोफेशन है, इससे ज़्यादा हार्ड मुझे कुछ भी नहीं लगता है भाई ट्रैवल ब्लॉगिंग। लिटरली मैं आप लोगों को बता दूँ उसके बारे में, कोई दूसरे देश में आके वीडियो बना रहे हो आप लोगों को कोई रीटेक नहीं मिलेगा, आप लोगों को एक ही बार में रिकॉर्ड करना है सारी चीज़ें,
और उसके बाद आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ कभी कभी अकोमोडेशन मिलता ही नहीं है, कभी कभी वहाँ खाना मिलता ही नहीं है, तो भाई इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा मेहनत से रिकॉर्ड करना पड़ता है, इतनी अलग अलग सिचुएशन आती है, कहीं मोबाइल छीनने का टेंशन रहता है, कभी कहीं और कुछ टेंशन रहता है, तो भाई वो सारे टेंशन को लेकर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। चलो मेहनत का तो यार हर चीज़ में लगती है, हर वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। उसके बाद जो सबसे डिफिकल्ट काम है कि भाई हमको खतरा भी रहता है, लिटरली यकीन जानना जान तक का भी खतरा रहता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अफगानिस्तान गया था, अफ्रीका के जंगल में रहा हूं एक हफ्ता भाई, जहां 40 डिग्री में पंखा तक नहीं था, मैं वहां जंगल के बीच में रुका वहां, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में इतनी सारी डिफिकल्टी है, फिर उसके बाद लिटरली यकीन जानना आज सुबह यूक्रेन की एम्बेसी से आ रहा हूं भाई, जहां से लोग भाग रहे, वॉर चल रहा है यूक्रेन में, मैं वहां जा रहा हूं कंटेंट बनाने ताकि आप लोगों को अच्छे वीडियोस दिखा सकूं। तो उसके बारे में मैं आगे बात करता हूं, तो सोच सकते हो भाई तालिबान से मिलना, फिर उसके बाद भाई अफ्रीका के जंगल में ट्राइब से मिलना, कभी क्या हो जाए कभी क्या हो जाए, तो भाई सारा हम खतरा अपने सर पे लेते हैं और उसके बाद इतना ज़्यादा कुछ रिटर्न भी नहीं आता। जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई अफ्रीका के वीडियो में जगुआर को मोबाइल दिला दो, जगुआर को मोबाइल दिला दो, आप उसकी वीडियो से कितना पैसा कमाए रहेंगे, तो यकीन जानना इतना रिस्क लेके इतना ज़्यादा पैसा मैं एक दिन का ना इनका मैं 12,000 रुपया, वो गाइड और उतने भी लोग थे, मैं उनको 12,000 रुपया पर डे देता था। उसके बाद जो ट्राइब्स की वीडियो है वो मोनेटाइज हुए ही नहीं, उसमें जीरो पैसा है, एक रुपया भी नहीं मिला। और जो जगुआर का जिम वाला वीडियो था उसमें 800,000 व्यू आने के बाद भी मुझे $100 नहीं मिला, 8,000 रुपया नहीं मिला 800,000 व्यू आने के बाद भी। तो आप सोच सकते हो भाई इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद भी कुछ भी नहीं आता। और तीसरा पॉइंट भाई यही है कि चलो भाई मेहनत कर लिए, सब जगह मेहनत लगी, मेहनत कर लिए, फिर उसके बाद हम इतना रिस्क लेके वीडियो भी बना लिए, लेकिन भाई घूमने मज़ा भी आती है, वो चीज़ पर हम बात में आएंगे। इतना मेहनत करके हम वीडियो भी बना लिए और उसके बाद सबसे मेन चीज़ है भाई कि अंधा पैसा लगता है एकदम, मतलब भाई कोई लिमिट ही नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं है यूट्यूब पे भाई जिसमें स्टार्टिंग में ही अब स्टार्ट करेंगे उसमें पैसा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई इसमें मतलब आप लोगों का अगर 1,00,000 रुपया महीना आएगा ना तो 1,00,000 रुपया चले भी जाएगा। तो इसमें ऐसा है भाई कि मेहनत भी लगेगी, फिर उसके बाद रिस्क भी रहेगा और साथ ही साथ आप लोगों को भाई पैसा भी डालना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है यूट्यूब पे इतना हार्ड प्रोफेशन कोई नहीं है, और साथ में भाई इतना मेहनत करने के बाद भी ट्रैवल ब्लॉगर का आप देख सकते हो भाई, कोई ट्रैवल ब्लॉगर का मेरे हिसाब से भाई 3 मिलियन भी नहीं होएगा सब्सक्राइबर। अगर कोई ट्रैवल ब्लॉगर जिसके 500 सब्सक्राइबर है, 1,000 सब्सक्राइबर, चाहे 2 लाख है, चाहे 5 लाख है, चाहे 2 मिलियन है, भाई सबको भाई थोड़ा पसंद किया करो, उनको वीडियो लाइक कर दिया करो, क्योंकि भाई ये जो ट्रैवल व्लॉगिंग वाले लोग हैं ना भाई, यही जो लोग हैं वो ओरिजिनल कंटेंट दिखाते हैं भाई, ओरिजिनल कल्चर दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं, वहाँ आप लोगों को बाहर जाके दिखाते हैं, आपको घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया घुमाते हैं। मेरा ख्याल है भाई ऐसा कोई नहीं कर पाता था। अफ्रीका के जो ट्राइब वाले वीडियो हैं वो डिस्कवरी, नेट जियो, इन लोग बनाने जाते हैं तो भाई 40-50 लोग की टीम जाती है, 1-2 महीना जाते हैं, 1-2 महीना वहाँ रहते हैं, फिर उसके बाद 1 घंटे का वीडियो बनाते हैं, और हम अकेले जाके वहाँ प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्टर भी रहते हैं, एक्टर भी रहते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी का भी हमको पूरा अपना खुद ही से ध्यान देना पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा मेहनत भी लगती है उसमें, उसके बाद रिटर्न भी इतना कुछ, इतना लिटरली उसमें रिटर्न कुछ भी खास नहीं है। मेरा अफ्रीका में आप लोगों को बता दूँ 2.5 लाख रुपया खर्चा हुआ था और मुझे 50,000 भी रिटर्न नहीं आया। तो आप सोच सकते हो ऐसा भी सीन होता है। तो इसलिए भाई देखते हो वीडियो तो चाहे कोई भी ब्लॉगर हो, चाहे ट्रैवल ब्लॉगर कोई भी हो, उसकी वीडियो पे भाई एक लाइक कर दोगे तो क्या ही जाता है, और एक कमेंट कर दोगे तो क्या ही जाता है। तो ये बात की, और साथ में भाई ट्रैवल ब्लॉगिंग जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो बोल रहा था मैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए ये सारा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से मुझे तो ये सारी चीज़ें में मज़ा आती है, लेकिन जो ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं इसके बहुत मज़े भी है भाई, मज़ा भी आता है, आप लोगों को नया नया कल्चर देखने मिलता है, नए नए लोगों से मिलने मिलता है, नया नया खाना ट्राई करने मिलता है, अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें जो आप डिस्कवरी में देखते थे, इधर देखते तो उधर देखते, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सामने देखने मिलती है, वो एक अलग एडवेंचर, बहुत अलग एक्सपीरियंस है भाई। ये भी थोड़ा जिंदगी बनाना चाहिए, तो मज़ा भी आती है भाई, थोड़ा रिस्क भी रहता है, लेकिन भाई ओवरऑल ठीक ठाक यार। जिसको स्टार्ट करना है वो भाई छोटी मोटी कंट्री से स्टार्ट करो, फिर धीरे 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 ग्रो करो, और सबसे मेन भाई कंसिस्टेंट रहो, वीडियो कंटिन्यू डालो भाई, और धीरे 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 ऐसा नहीं सोचो कि भाई ये वीडियो नहीं चला है, तो कंटिन्यू डालते रहो। यकीन जानना अभी मेरे सब्सक्राइबर 2 लाख होने आए हैं, उस साल से कंटिन्यू मेहनत करो, कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, आप सब समझ ही सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। कोई और प्रोफेशन में वीडियो स्टार्ट किया होता यूट्यूब पे बनाना तो हो सकता है भाई मैं और ज़्यादा ग्रो कर लिया होता, भाई मिलियन भी हो सकते, लेकिन ये मुझे पसंद है इसलिए मैं ये चूज़ किया। तो ये था सारा कुछ जवाब। अब बढ़ते हैं भाई आगे, जो मेरे बारे में लोगों ने पूछा भाई कितना पैसा कमाते हो, चाइना से कितना पैसा मिला है, और उसके बाद मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे ट्रिप्स फंड कौन करता है, मैं कहाँ से कमाता हूँ, और मैं ट्रैवलिंग क्यों स्टार्ट किया, तो ये सारी चीज़ अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो बहुत सारा सवाल आया कि भाई मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, और मेरे घर पे कैसा यूपीएससी वाला माहौल है, यूपीएससी देते हैं, मेरा भाई 2 बार मेंस भी क्लियर कर चुका है, तो मैं तैयारी स्टार्ट किया था भाई, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आ गया और ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया, इसलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है भाई, जो भी होगा आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अभी तक मैं ग्रेजुएशन ही कंप्लीट किया हूँ, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाई मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट क्यों किया। ट्रैवलिंग मुझे स्टार्ट से बहुत ज़्यादा पसंद थी। जो सबसे पहली ट्रिप किया हूँ मैं इंटरनेशनल, सोलो इंटरनेशनल, जब मैं 16 साल का था, जब मैं 16 साल का था तब मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी मलेशिया की, फिर उसके बाद मैं हांगकांग गया, मकाऊ गया, उसके बाद मैं सऊदी गया, सऊदी तो फैमिली के साथ गया था, उसके बाद आप देख ही सकते हो टर्की गया, तकरीबन 30 कंट्री हो चुकी है अभी मेरी। तो ऐसे स्लो स्टार्ट किया, लेकिन पिछले 2 साल से मैं कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा हूँ, सिर्फ मुंबई जाता हूँ, वीज़ा अप्लाई करता हूँ, फिर निकल जाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे कि मेरी ट्रिप फंड कौन करता है, भाई मुझे पैसा घूमने का कौन देता है। लॉकडाउन के स्टार्टिंग में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था,
तो उसके बाद भाई मैं कहीं जा नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। लोगों को मालूम होगा बहुत सारी जिम बंद हो रही थी, तो मैंने जिम इक्विपमेंट लेना स्टार्ट किया, जो पुरानी जिम बंद हो रही है लेके उसको थोड़ा नया करके, पाउडर कोटिंग करके, थोड़ा उसको सीट वगैरह नहीं करके उसको मैं बेचना स्टार्ट किया। आप उसको बोल सकते हो मेरा पहला बिजनेस था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी भाई, सामान वहाँ से उठाओ, फिर उसको एक जगह लेके जाओ, फिर वहाँ बनाओ। मेरे साथ में मेरा पार्टनर मेरा मामू था, तो हमने वो बिजनेस स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 मेहनत करके थोड़ा पैसा जमा करके मैं एक छोटी सी जिम स्टार्ट किया। 6 महीना जिम चलाने के बाद भाई फिर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, फिर मैंने एक बड़ी जिम स्टार्ट किया। तो मेरे पास 2 जिम है जिससे थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है, जिससे मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट किया। अब बात करते हैं कि भाई यूट्यूब से मैं कितना कमाता हूँ, यूट्यूब से पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना मिलता है, कैसा मिलता है, पूरा एक मैं आप लोगों को फिगर तो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आपको इतना बता सकता हूँ कि भाई चाइना की ट्रिप से पहले मेरे पास यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता था कि मैं अपनी पूरी ट्रैवल वहाँ से मैं चला सकूँ। लिटरली आप यकीन जानना 15,000, 10,000, 12,000 ऐसा पैसा आ रहा था, 15,000, 17,000, 20,000। तो उससे तो भाई एक साइड की टिकट ही आ पाती थी और उससे ज़्यादा कुछ पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन चाइना की ट्रिप के बाद मेरे जो चाइना में जितना भी पैसा खर्चा हुआ था, तकरीबन मेरा 2,60,000 रुपये चाइना में खर्चा हुआ। इंटरनल फ्लाइट 20,000 की 2 बार लिया, तो उसमें सारा कुछ खर्चा हुआ 2,60,000। मेरा चाइना का जो सारा पैसा था मेरा सारा कुछ निकल गया, और जो नेक्स्ट ट्रिप का थोड़ा जो पैसा था वो बन गया। तो यार ये समझ सकते हो कि मेरी जो YouTube की अर्निंग है वो अभी प्रॉपर स्टार्ट हुई है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे के वीडियोस कैसे लोगों को पसंद आते हैं, क्या सारा सीन होता है, तो जैसे भी रहेगा आप लोगों को धीरे धीरे ऐसे Q&A वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा। YouTube ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा देता है, स्पॉन्सरशिप से बहुत ज़्यादा पैसा आता है। लेकिन मैं लिटरली यकीन जानना, मैं आप लोगों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। पिछले 2 महीने में मेरा ख्याल है भाई, ये शायद हो सकता है गलत हो या हो सकता है सही हो, पिछले 2 महीने में जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स होंगे सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मेरे पास है। ये लिटरली यकीन जाना मेरा ख्याल है तकरीबन 800 से 1000 मेल आए लिटरली दिन में भाई 60-70, 70-80 ईमेल आ रहे हैं स्पॉन्सरशिप के। लेकिन उसमें सबसे ख़राब चीज़ यही है कि अगर फॉर एग्जांपल 100 ईमेल है तो 100 में से 95 जो हैं वो बेटिंग ऐप के हैं, IPL, सट्टाबाजी, कसिनो, ये 365, वो 365, तो कसिनो खेलो, तो फिर ये गेम खेलो, फिर जहाज उड़ाओ, 1,000 रुपये लगाओ, 26,000 कमा लो, ये सारी स्क्रिप्ट भेजते हैं भाई, जो बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं भाई। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग जो हैं ये सब चीज़ पे मान लेते हैं, फिर अब तो सारा अपना पैसा गवा लेते हैं। तो यार ये मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं नहीं किया, नहीं तो अभी तक भाई कई लाखों कमा लिया होता। मैं प्रमोट करूँ उसमें लिटरली आप लोगों को स्क्रिप्ट मिलेगी। मैं बिंदास बोल रहा हूँ भाई, अगर कोई एजेंसी वाला देख रहा है तो मेरे पास बिल्कुल भी भाई कैसीनो और उसके बाद गेम IPL वाला सट्टा फिर ये वाली भाई कोई ऐड नहीं लाना, मैं नहीं करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग लिटरली मुझे बोले कि भाई जो 2 मिलियन 1.5 मिलियन वाले यूट्यूबर हैं उनको जितना पैसा दे रहे हैं उतना आपको देने तैयार है, आप कर लो। तो मैं डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ। वो लोग पूरी स्क्रिप्ट भेजते हैं कि जहाज उड़ रहा है तो ये 1,000 रुपये लगाया, 26,000 बन गया, तो भाई ये सारा कुछ फ्रॉड रहता है। मैं लोगों को पागल नहीं बनाना चाह रहा, तो अगर करता तो भाई अच्छा खासा पैसा कमा लेता, लेकिन मैं बोला भाई स्लो स्लो चलेंगे, लोगों को लेके चलेंगे, इसलिए भाई ये सारी कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे स्पॉन्सर भी आए थे लेकिन मैं उन लोगों को अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि वहाँ ध्यान नहीं दे पा रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कोर्स बनाने बोल रही है, जो अभी देख सकते हो आप 2-3 यूट्यूबर हैं जो कोर्स बनाना स्टार्ट भी किए हैं, मेरी बात भी चल गई थी और सारा हम लोग फॉर्मेट भी तैयार कर लेते, बहुत सारी चीज़ें भी कर लेते, बात आगे बढ़ गई थी, लेकिन मैं उसको टाइम नहीं दे पाता क्योंकि भाई उसमें लाइव आओ, सारा डिटेल शेयर करो, डिटेल तो भाई मेरे पास बहुत सारी शेयर करने के लिए, सस्ता कैसे घूमे और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों को डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है कोर्स बनाने के लिए, वो करने के लिए बाद में देखेंगे हम बनाना है कि नहीं बनाना है। और जो बाकी ट्रैवल व्लॉगर जो कोर्स बनाए हैं भाई ज़रूर देखिए, उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि भाई इसमें कैसा है कि भाई बहुत कम कमा पाते हैं ट्रैवल व्लॉगर। दूसरी कैटेगरी में जो वीडियो बनाते हैं उनका कैसा रहता है, क्यों घर पर बैठे बैठे उनको वीडियो बनाना रहता है या फिर वो आसपास ही वीडियो बनाना रहता है, इतना पैसा नहीं लगता है, लेकिन ट्रैवल व्लॉगर को ज़्यादा पैसा लगता है। तो जो ऐसा कोर्स बनाए उनको ज़रूर सपोर्ट करिए भाई। और मैं तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है बनाने का, मेरे पास डिमांड आई थी लेकिन अभी मेरे फिलहाल कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी कंटिन्यूस ट्रैवल करना है। अभी रशिया जाऊंगा, 1 महीना वहाँ रहूंगा, फिर मेरा ख्याल है ईरान जाऊंगा, फिर उसके बाद पूरी अफ्रीका की ट्रिप होगी, फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा। तो कंटिन्यू ट्रैवल होने वाला तो 6-8 महीना तो भाई मैं नहीं कर सकता, बाद में हम देखेंगे कैसा सीन है। तो यार ऐसी कुछ होती है इनकम यूट्यूब की, बहुत ठीक ठाक तो भाई जब ग्रो करेंगे तभी होगी, तो ऐसा कुछ सीन है। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। जो लोगों ने भाई मुझे अभी से नहीं बहुत टाइम से पूछ रहे कि मैं रिकॉर्ड कौन से कैमरे से करता हूँ, तो आप लोगों को सबसे मेन चीज़ बता दूँ ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए, जिनको ब्लॉग बनाना है जिनको वीडियो बनाना है, जो मैं सारी रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं वो फ़ोन पे करता हूँ। और जो एडिटिंग की बात है, मैं ना कोई लैपटॉप यूज़ करता हूँ ना कोई कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, सारी एडिटिंग से लेके थंबनेल बनाना सारा कुछ मैं खुद करता हूँ, सारा कुछ मैं फ़ोन पे करता हूँ। मतलब रिकॉर्ड भी मैं फ़ोन पे करता हूँ, एडिट भी फ़ोन पे करता हूँ, थंबनेल भी फ़ोन पे बनाता हूँ, उसके बाद अपलोड भी फ़ोन से ही करता हूँ। और बात रही भाई कि कौन सा फ़ोन है, तो यार आप आईफोन 11 से भी बना सकते हो, 12 से भी बना सकते हो, 13 से भी बना सकते हो, 14 से भी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास 14 रहे, 14 प्रो रहे,
मैं 90% जो वीडियो डाला हूँ मैं आईफोन 12 से डाला हूँ, फिर उसके बाद आप मैं प्रो से भी शूट किया हूँ, तो भाई तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एकदम लेटेस्ट फ़ोन रहे, आप किससे भी बना सकते हैं। सारे जो फ़ोन है उनकी क्वालिटी 19-20 है, तो आप किसी से भी बना सकते हो। होप आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको वीडियो बनाना है इससे कुछ फ़ायदा मिला रहेगा। तो उसके बाद बहुत सारे और भी सवाल है कि मेरी फेवरेट कंट्री कौन सी है, मेरा सबसे अच्छा फेवरेट एक्सपीरियंस कौन सी कंट्री में हुआ, वीज़ा आसानी से कैसे ले, वो सारा अगर मैं भाई इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यार थोड़े दिन बाद जब ये रशिया की सीरीज़ खत्म होगी उसके बाद फिर हम Q&A वीडियो करेंगे, उसमें बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इस वीडियो में रह गई है। बहुत सारे सवाल थे भाई, अभी तो मैं सिर्फ 4-5 सवाल का जवाब दिया हूँ, इतने सारे सवाल थे कि भाई मैं आपको क्या बताऊँ। पर जो मुझे रिपीटेड सवाल आए थे, जो बहुत सारे लोगों ने एक जैसा सवाल पूछा था, उसका मैं आंसर दिया हूँ। फिर उसके बाद हम दूसरा Q&A वीडियो करेंगे रशिया सीरीज खत्म करने के बाद, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यार वीडियो को यहीं तक रखते हैं, यार पूरी से पूरी मेहनत करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ। लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, ट्रैवल व्लॉगिंग में कंटेंट के दो टाइप होते हैं, एक कंटेंट बेस होता है और एक होता है कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, हॉस्टल में हूँ, जो मतलब आज कोई स्पेशल प्लान नहीं है फिर भी एक वीडियो बना दूँ, मैं हॉस्टल में हूँ या खाना खाने गया। और एक दूसरा वीडियो जो होता है कंटेंट बेस्ड, कि भाई मैं आज आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ दिखाऊंगा, कुछ नई चीज़ दिखाऊंगा, आज हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो वो टाइप की वीडियो मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को भाई कुछ नई चीज़ें भी देखने मिले, साथ ही साथ मैं आप लोगों को थोड़ा लोकल से भी बात करवाता हूँ, फिर उसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी बताता हूँ आप लोगों को। तो यार अब जो आगे वीडियो आएंगे तो होप आप लोग वैसे चाइना के जैसा प्यार देंगे, जैसे आप लोगों ने चाइना के प्यार दिखाया था वैसे ही आप प्यार देंगे, और मैं ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, अच्छा अच्छा नया नया एक्सपीरियंस, नई नई चीज़ें आप लोगों को दिखाते रहूँगा, पूरी मेहनत से आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो ये रखते हैं वीडियो यहीं तक, होप आप लोगों को भाई कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मज़ा आई होगी। भाई एकदम तो बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो, लेकिन आप लोगों को भाई वीडियो अच्छे लगते हैं तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और वीडियो अच्छा ही लग गया होगा तो भाई कमेंट भी कर दिया करो, छोटा कमेंट कर दिया करो लेकिन कर दिया करो भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यार आप मिलते हैं बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। जब तक के लिए भाई ध्यान रखो,